रात के करीब 12 बज रहे हैं और हम लोग मौजूद है अभी गुंजन मार्केट में, और साइड में ये फास्ट फूड की एक दुकान है और दुकान पे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा कैमरा घुमा दो फास्ट फूड की तरफ। वहाँ पे बना रहे भाई साहब, हमने ऑर्डर दिया, कितने का ऑर्डर दिया भैया? दो का, डेढ़ का? डेढ़ का ऑर्डर दिया है। क्योंकि बात यह है कि जो मुझे आप लोगों से बात करनी है, आप पब्लिक में जब आपके सामने और मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ तो बात सीरियस है। हमारे एक साथी पत्रकार वापी के ही थे जिनके साथ में धक्का मुक्की किया गया, वो विजुअल में आप लोग साइड में वीडियो चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे। और उसके बाद हम लोग इस विषय पे खास करके बात करने के लिए वहाँ के मैनेजमेंट से मैं सोच रहा हूँ नाम लूँ ना लूँ, छोड़िए जाने दीजिए, नाम नहीं लेता हूँ। बाकी वापी के अंदर आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम रहेगा बिहार वेलफेयर एसोसिएशन मैनेजमेंट किसके हाथ में था। विनय जी भी हमारे साथ में, हम लोग लगभग कितने, विनय भाई कितने लोग हम लोग पत्रकार वहाँ पे थे? लगभग 8 से 10 नहीं हो पाएगा, 8 से 10 और वो सीन तो आपने भी देखा ना जब पत्रकारों के साथ में धक्का मुक्की किया गया। हाँ जी, आपने वो सीन तो आपके आँख के सामने ही हुआ, आपके देश के सामने ही। जब बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ही घिनौनी हरकत थी। एक चीज़ होती है किसी भी जो सम्मानित व्यक्ति उस टाइम पर उसके आचरण को क्या कर रहे हो, लोगों के साथ आए, किस नाम के साथ आए, किस संगठन के साथ आए, वो देखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, जैसा कि यहाँ पर सरस्वती पूजा का कार्यक्रम है, आप किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं तो तरीके व्यक्त रखने से, जैसा कि देखा गया है कोई भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, यहाँ तक कि मोदी प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति कार्यक्रम होते हैं, तो स्पेशल जो है एक अलग से बैठने का पत्रकारों के लिए हर जगह बनाया जाता है, क्योंकि विश्व के अंदर कहीं पर भी कोई कार्यक्रम हो, लेकिन यहाँ पर चीज़ तो यही था मेरा बात करने का, मतलब थोड़ा सा कैमरा मेरे तरफ घुमाइए, मुझे भी आना है। तो मेन चीज़ तो ये कि अगर कहीं बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो पत्रकारों के लिए कम से कम एक बनाया जाता है। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, लगभग हम लोग 10-12 पत्रकार थे, हम लोग वहाँ पर पहुँचे और हम लोगों के लिए इस तरह का कोई व्यवस्था था नहीं कि हम वहाँ पे बैठ सके, हम वहाँ से न्यूज़ कवर कर सके, और थोड़ा बहुत जो जगह हम लोगों को मिल रहा था हम जाके न्यूज़ कवर कर रहे थे या वीडियो थोड़ा बहुत फुटेज लेने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे बीच एक भाई साहब आते हैं, फिर वो बदतमीजी करना चालू कर दिया और एकदम से सबको हटाने लग गए, एकदम से सबको हटाने लग गए। और ऊपर से फिर जब हम लोग ने बोला जो हम मीडिया से हैं, फिर भी उनको देखना चाहिए, फिर भी वो जबरदस्ती उनको धक्का मारने लगा। रुक जाइए, वो गिर गए, वो बंदे को धक्का भी लग गया, ऊपर से बहसबाजी हो गई। बट ये चीज़ सही नहीं है इतने बड़े कार्यक्रम के लिए, बहुत ही शर्मनाक बात हो सकती है। ठीक है, इसके बाद भी जब हम लोग उनके जो अभी मैं नाम नहीं ले रहा, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं नाम ना लूँ उनका। और गंभीर मुद्दा ये है कि हमारे साथी पत्रकार उनको फ़ोन किए कि हमें आपसे कुछ बात करना है, वो हमें बुलाया कि यहाँ पे गैलेक्सी वापस से गुंजन में गैलेक्सी होटल है और वहाँ पे हमें बुलाया गया कि आप आइए, हम वहीं पे आपसे बात करते हैं। और जैसे हम लोग अपनी टीम के साथ में, हम 4 ही लोग हैं इस समय टीम में, हमारे दो साथी पत्रकार विनय जी हैं और नाम भूल गया सागर, देखिए साथ कम रहते हैं इसके लिए थोड़ा सा नाम भूल गया, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव हैं आजकल कुछ ज़्यादा है। तो इन्होंने फ़ोन किया तो बुलाया हम लोगों को, आ जाइए आप गुंजन में, आ जाइए गैलेक्सी होटल में, आ जाइए वहाँ पे आपको बैठ करके उस विषय में बात करते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोगों से क्या बोला गया कि हम थोड़ा सा स्टे करने का हमारा पक्का नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा देख रहे हैं और आप लोग रुकिए। तो अब हम लोग रुके हुए हैं, ये गुंजन एरिया है, गुंजन एरिया का फास्ट फूड का जगह है, यहाँ पे हम लोग कुछ खाते रहे। बाकी जो कहानी जो घटना वहाँ पे हुआ उस बारे में मैं सोचा कुछ बातें कर लूँ आप लोगों से, आप अपनी राय बताइए। बाकी पत्रकारों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाना अत्यंत दुखद है। हाँ विनय भाई, जिसको भूख बहुत तेज लगी है, करीब 4 से 5 घंटे वहाँ हो गए, तो खाने में बिजी हो ना, खाने का अरेंजमेंट था ना पानी का, तरीके का जो बर्ताव वहाँ पर था, सुविधा को देखने जाए तो सुविधा तो थी नहीं, लेकिन सबसे पहला जो ऑप्शन बनता है आप किसी के बैठने के लिए बनाए या नहीं बनाए, लेकिन पत्रकारों के बैठने के लिए व्यवस्थित जगह होती है जो नहीं थी, जिस वजह से काफ़ी माहौल भी गंदी हरकत, गंदी हरकत पत्रकार। ठीक है, हम वीडियो ख़त्म करते हैं, भूख काफ़ी लगी है, करीब हम लोग 6 बजे तो वहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि हम कुछ बात करेंगे। तो बाकी आपका अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सुनो तो मेरी बात, सुनो तो आप मीडिया की बात कर रहे हो, मेरा भी जवाब
मेरी बात इंडिया टीवी में कोई रोक छाप नहीं है, वो पोटिशाल लगाओ लगाओ कोई बात नहीं है, मेरी बात कोई बात नहीं, आपको गाली नहीं देना चाहिए। एक मिनट, मेरा प्रोग्राम आपको मैं नाराज क्या हुआ, आपने मुझे धक्का मारा, आप मुझे बोल रहे इधर साइड हो जाओ, मैं साइड हो जाता हूँ। मैं आपको आप लोगों को रिक्वेस्ट किया हूँ, आप बोले कि मैं मीडिया हूँ, आपको रिक्वेस्ट किया है, मैडम कहाँ गई, मैडम कहाँ गई, डीजीपी साहब वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर अगर कोई बवाल होता है तो मैं फंसूंगा, हम लोग फंसेंगे, हमारे व्यवस्था हम लोग जानते हैं, व्यवस्था साहब हम लोग का है, अगर एडीजीपी पर कुछ हो रहा है।